हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग गुड. सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से एक कॉम्पैक्ट पाउडर. ये रही वो कॉम्पैक्ट पाउडर जिसके बारे में आज हम बात करेंगे. ये कुछ इस तरह से दिखती है. इसको जो कवर है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कवर है और उसके ऊपर लिखा हुआ है वेट एंड वाइल्ड प्रेस्ड पाउडर. और ये फोटो फोकस है, आपको फ्लैशबैक नहीं देगी. और ये इसका कॉम्पैक्ट है. ये कुछ हार्ड फार्मूला है, काफ़ी हार्ड लगता है और बिल्कुल पाउडरी या चौकी नहीं, मतलब बिल्कुल भी. कभी कभी हम लोग जब पाउडर लगाते हैं, ब्रश आप घुमाते हो तो काफ़ी सारे पार्टिकल गिरते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता है. इनफैक्ट पहले पहले मुझे ये कॉम्पैक्ट बहुत ही हार्ड लगी, हार्डली वो ब्रश पे आती थी तो मुझे फॉर्मूला काफ़ी हार्ड लगा. अभी थोड़ा थोड़ा सा वो, क्योंकि आउटर लेयर ख़त्म हो गया है, ऊपर का अपर लेयर नॉट आउटर लेयर, तो अभी थोड़ा सा वो ना खुल के आ रही है पाउडर. तो ये जो पाउडर है वो थोड़ी सी डोम शेप में दिखेगी आपको. ये मेरा शेड है नेचुरल बेज, चार शेड्स मिलेंगे आपको. अब बात करते हैं इसके टेक्सचर की और फार्मूला की. फार्मूला तो मैंने आपको अभी अभी बता दिया कि थोड़ा सा हार्ड फार्मूला है, लेकिन चौकी या पाउडरी नहीं है. हाथ से ट्राई करोगे तो आपको काफ़ी सॉफ्ट लगेगा और कुछ इस तरह से दिखता है. और अगर मैं आपको ऐसे दिखाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से इसका कलर है, थोड़ा सा वाइटिश है तो मेरे स्किन के लिए थोड़ा लाइट लगा मुझे नेचुरल बेज. इसमें कुछ अजीब सा फ्रेग्रेंस है जो मैं डिफाइन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन इतना कुछ फ्रैग्रेंस नहीं है कि इफेक्ट लगे कि वाओ क्या फ्रैग्रेंस है. तो मैं अभी आपको दोनों तरफ लगा के दिखाती हूँ. एक साइड में मैं ब्रश से लगाती हूँ और एक साइड में मैं पफ से लगाती हूँ. तो आपको अगर बहुत नेचुरल इफेक्ट चाहिए तो आप ब्रश यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और इफेक्ट चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो पफ. तो मैं अभी लगा रही हूँ ये. चलिए तो इस साइड में अब लगाते हैं पफ. तो मैं पफ से थोड़ा सा लेके आई एम जस्ट डैबिंग इट. आप देख सकते हो ये साइड ज़्यादा नेचुरल लग रही है और ठीक ठाक लग रही है. ये साइड में ज़्यादा पाउडर लग रही है क्योंकि मैंने पफ से लगाई हुई है और कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट आता है. तो आपको जो तरीका ठीक लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो. लेकिन ओवरऑल यही बताना था कि स्टार्टिंग में यूँ मैं फाइंड इट किया क्या पाउडर है, लेकिन धीरे धीरे ये फार्मूला ठीक ठाक हो जाता है. बट आई एम नॉट फैन ऑफ इट. और ये फ्लैशबैक वाला फंडा मैंने टेस्ट नहीं किया है तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोल सकती, बट क्योंकि ये क्लेम कर रहे हैं तो कुछ तो होगा. और बाकी तो मैट इफेक्ट देती है, ड्राई आउट नहीं करती है, लाइट है फेस पे. तो ये है मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में. होप आपको पसंद आया होगा. पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो के बारे में पता चले. चलिए हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.